यहाँ पे आप नारा जी, वेट वेट नारा जी, आप सेंटर में आ जाइए। आप सर पीछे आ जाओ, फुल प्लेट। तो आपको हाथ दिस इज नायरा और यू नो व्हाट द मीनिंग ऑफ माय नेम, सो मॉम हैज मेड मी। पेंटिंग में नाम लिखा है अभी तो नहीं होता है। यस परफेक्ट। नाउ एक फॉलो कर लेते पेंटिंग पेंटिंग दे दीजिए पेंटिंग। नारा जी सरस्वती पूजा है, ये एक बहुत बड़ा ट्रेंड है हमारे हिंदुस्तानी कल्चर में, और खास करके आप बंगाल में बहुत ही बड़ा ट्रेंड है। आइडियली सी सरस्वती माँ इज द गॉडेस ऑफ टैलेंट, ब्यूटी, एजुकेशन। हमारे फील्ड में ये सब कुछ ही है। तो जैसे कि आपको पता है कि सरस्वती गॉडेस इज द गॉडेस ऑफ टैलेंट एंड ब्यूटी, एजुकेशन, और टैलेंट में फाइन आर्ट्स भी आता है। तो आई थिंक इंडस्ट्री के सारे लोगों के लिए सरस्वती पूजा बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने एजुकेशन के लिए, लुक्स के लिए। शी इज़ नोन फॉर गुड लुक्स, शी इज़ नोन फॉर गुड नॉलेज, फॉर टैलेंट। तो हम सब कोशिश करते कि हम सरस्वती माँ जैसे बने, एंड बंगाली लोग इसको सेलिब्रेट करते, बट आई थिंक इंडस्ट्री के सारे लोग ही सेलिब्रेट करते होंगे। और इस दिन हम लोग पढ़ाई नहीं करते, इस दिन हम लोग काम नहीं करते हैं। तो मैंने स्पेसिफिकली छुट्टी मांगी थी, वो लोग छुट्टी दे नहीं रहे थे, लेकिन भगवान की दया देखो, शी वॉन्टेड मी टू बी ओवर हियर, स्पेंड टाइम ओवर हियर, तो मुझे छुट्टी मिल गई आज। वैसे नायरा का मतलब सरस्वती माँ भी है, तो आई थिंक मेरी माँ ने इसी यही सोच कर रखा होगा मेरा नाम। बट बसंत पंचमी के दिन हम येलो पहनते हैं, इट्स बिगिनिंग ऑफ स्प्रिंग, इट्स बिगिनिंग ऑफ न्यू फ्लरिशिंग ईयर एंड एवरीथिंग। वाइट भी पहन सकते हैं, वाइट तो सब में जाता है। एंड मेरी साड़ी देखोगे तो इसमें है काफ़ी कलर्स हैं वाइट में ही, तो मैंने सोचा कि सरस्वती माँ भी वाइट और येलो पहनती है, मैंने भी वो पहन लिया। एंड इट्स जस्ट फीलिंग प्योर एंड गुड एंड हैप्पी। भोग भी होता है, जैसे कि अभी पूजा हुआ है, पूजा हुआ है तो अभी हम भोग भी रखते हैं सारे मेंबर्स के लिए, और बाहर के लोग भी जो आते हैं उन्हें भी वेलकम किया जाता है। फिर आज बिकॉज ये क्रिएटिविटी की गॉडेस हैं, हम लोग गाना गाते हैं, डांस करते हैं, स्किट्स करते हैं, एक्टिंग, कुछ एजुकेशनल स्पीचेस भी दे सकते हैं। आज के दिन बच्चे सारे किताब विताब जो भी है यहाँ पे आके रख के जाते हैं, सो दैट माँ की ब्लेसिंग्स हम पे आए। हम लोग भी इसलिए आते हैं ताकि आज कुछ काम ना करें, बस ब्लेसिंग एब्जॉर्ब करें, यू नो। स्पेशल प्लान पता नहीं, हर वैलेंटाइन में एटलीस्ट हाफ डे तो मॉम के साथ सेलिब्रेट करती हूँ, रिमेनिंग हाफ डे मैं अपने दोस्तों के साथ करती हूँ, या फिर अगर कोई मेरी ज़िंदगी में कोई है तो उनके साथ स्पेंड करती हूँ। इस बार का मुझे पता नहीं अभी फ़िलहाल। मुझे हर साल बिग बॉस से ऑफ़र आया है, लिटरली एवरी ईयर।
बट भगवान की दया से आई हैव ऑलवेज बीन वर्किंग, तो मैं वो कंसिडर नहीं कर पाई हूँ. एंड वैसे भी मैं एक बहुत ही शांतिपूर्वक इंसान हूँ. मुझे हाँ मुझे वैसा इतना वायलेंट आवाज़ चिल्लाना विलाना मेरे टाइप का नहीं है. जैसे कि आज लाइक और क्या क्या करने वाली हैं आप, क्योंकि आपने बताया कि पूजा तो हो गई. पूजा तो होगी अभी. आपका फेवरेट क्या है? मेरा देखो मुझे पता नहीं था कि मैं मुझे ऑफ मिलेगा कि नहीं, नहीं तो मैं भी कुछ प्रेपरेशन करती, डांस वांस कुछ करती. छुट्टी मिली है तो मैं उसका भी फ़ायदा उठाने वाली हूँ. अभी भोग वोग करके मैं माँ और भाई को यहाँ पे रख के 2-3 मीटिंग्स फटाफट ख़त्म करूँगी, फिर से शाम को आऊँगी यहाँ पे, फिर सारे कल्चरल प्रोग्राम्स होंगे वो देखूँगी और फिर घर चली जाऊँगी क्योंकि कल सुबह शूट है. लिबास करके वेब सीरीज़ है जो मैंने अभी अभी शूट किया है, अमित खन्ना ने डायरेक्ट की है, वो आएगी. वो प्रोसेस में एडिटिंग वेडिटिंग हो रही है. रक्षाबंधन तो चल रहा है. एंड मेरे और दो प्रोजेक्ट्स लाइंड अप हैं, जो वेब है और एक फिल्म है. सो वो मैं रक्षाबंधन के साथ साइमल्टेनियसली शूट करने वाली हूँ. कब ऑन फ्लोज है मुझे पता नहीं, लेकिन जब होगा ऑब्वियसली आप लोग को पता चलेगा. सो ये है बेसिकली अ गर्ल हु इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग मेंटली. बेचारी किसी भी तरह से ना एक मर्डर मिस्ट्री वाले केस में फंस जाती है, तो कैसे ये फंस के एक पुलिस को हेल्प करती है और मिस्ट्री को सॉल्व करती है, इट्स अबाउट दैट. एंड इट्स अ वेरी फन लविंग सुपर कैरेक्टर. इट्स नाइस. आज बसंत पंचमी के दिन मैं ये कहना चाहूँगी कि ईयर वाइज फेस्टिवल वाइज ये एक शुरुआत है नए साल की. ओके शुरुआत है नए इनिंग्स की. आप लोग भी अपने मन में ये रखिए कि आप लोग खुद को कैसे एक नई तरीके से पेश करना चाहते हैं, खुद को और दुनिया को क्या नए नए चीज़ें आप सीखना चाहेंगे या करना चाहेंगे लाइफ में, अपने करियर के लिए, अपने पर्सनल लाइफ के लिए. इट्स अ न्यू बिगिनिंग ऑफ एवरीथिंग, सो मेक इट अ न्यू ईयर काइंड ऑफ अ फीलिंग, यू नो. गिव योरसेल्फ अ चांस टू क्रिएट समथिंग न्यू. एंड ब्लेसिंग्स लीजिए माँ सरस्वती की कि आप और ज़्यादा टैलेंटेड और सुंदर और इंटेलिजेंट हो, नॉलेजेबल हो. सो या दैट्स अबाउट इट. थैंक यू सो मच. थैंक यू एंड गुड लक. थैंक यू.